गर्व से कहो, गर्व से कहो, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, घर घर दीप जलाएंगे बहुत महोत्सव मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे बहुत महोत्सव मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे बहुत महोत्सव मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे बहुत महोत्सव मनाएंगे। आप सबको 25 दिसंबर बौद्ध महोत्सव के पावन पर्व की एडवांस में बधाई, लख लख बधाई। ये पावन पर्व आप सबको मुबारक हो। सफाई शुरू हो जाती है घरों में और सजावट शुरू कर देते हैं और 24-25 को हमारे धूमधाम से खूब कार्यक्रम होते हैं, बुद्ध वंदना होती है और खूब सजावट होती है, हमारे अच्छे से मनाते हैं। तो ये खुशी का मौका है तो सब लोग इसमें शामिल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब शामिल शुरू से ही होते हैं, काफी दिनों से ही होते आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे सब जागरूक हैं और कार्यक्रमों में पहले से ही भाग लेते हैं, महिलाएं भी खुश हैं। तो ये आपका बहुत मतलब ये बड़ा उत्सव आप इसको मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम तो शुरू से ही मनाते हैं, मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में और बौद्ध महोत्सव के रूप में भी शुरू से मनाते आ रहे हैं। चलिए, ये थी तो 25 दिसंबर को बहुत बड़े उत्सव के रूप में अच्छे कपड़े पहने, अच्छे पकवान बनाएं और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ये आप अपने घरों में अपने उसमें करें, तभी हम बाबा साहब के सपनों को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन हम बौद्ध धर्म को पूरी तरह से नहीं मानते। आपके यहाँ बौद्ध विहार है, बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं और आपके यहाँ बहुत अच्छा संगठन है, लेकिन साथ साथ हमें ये देखना है कि बौद्ध धर्म कैसे बढ़े और कैसे हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब तक आप कोई भी धार्मिक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि हम आपने देखा है कि चुनावों के समय हमें हिंदू बना दिया जाता है और मुस्लिम का भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में आउट कर दिया जाता है, तो हमें बौद्ध धर्म स्वीकार करके बौद्ध धर्म ज्यादा से ज्यादा बड़े स्तर में बनाना है। 25 दिसंबर के बहुत बड़े उत्सव के रूप में हम लोगों को मनाना है। क्या आप तैयार है सब इसके लिए? क्योंकि 25 दिसंबर को मनुस्मृति, उस मनुस्मृति का दहन हुआ था जिसमें छुआछूत थी, भेदभाव था, हमें शूद्र कहा गया था, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बेटियों को महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने उस चीज का जो अंत किया था वो कौन सी तारीख को किया था? 25 दिसंबर। तो वो बड़े रूप में हमें बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन से हमको अधिकार मिले थे। बाबा साहब ने वहीं से भारतीय संविधान की नींव डाली थी, उन्होंने ये देखा था कि कहां से हक और अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब खुद इस बात को समझते थे, इस बात को उन्होंने पीड़ा सहन की थी कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी जब मेरे साथ अन्याय होता है तो मेरे साथ के समाज के साथ कितना अन्याय होता होगा। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था, उसको जलाया था और आज आप देख रहे हैं इस देश के अंदर फिर वही सरकारें हैं वो मनुस्मृति लागू करना चाहती हैं और राम राज्य लागू करना चाहती हैं। आप सभी जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, इसलिए बौद्ध महोत्सव को बड़े से बड़े रूप में मनाएं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और हम इसके साथ फोटो लेंगे और दो ऐसे ही नारे लगा दो, पहले ऐसे नारे लगवा दो, नहीं मैं वीडियो नहीं बना दूंगा, आप ऐसे लगवा दो, गोल करके बना दो। तो क्योंकि ये जो बौद्ध महोत्सव है, बौद्ध महोत्सव बड़े रूप में मनाया जा रहा है और ये करीब कई जिलों में टीम काम कर रही है, कई जिलों में मनेगा। तो एक बार मैं बोलूंगा कि लाइव है, लाइव भाई, अभी अशोक जी ने सारी बातें कह दी और उनको नारे लगाने हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, घर घर दीप जलाएंगे बौद्ध महोत्सव मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे बौद्ध महोत्सव मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे बौद्ध महोत्सव मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। आप सबको 25 दिसंबर बौद्ध महोत्सव के पावन पर्व की एडवांस में बधाई, लख लख बधाई। ये पावन पर्व आप सबको मुबारक हो। और बच्चों सब तैयार हो ना मनाने के लिए? हाँ। तुम्हारे लिए नए कपड़े बनेंगे, सबके लिए पकौड़े बनेंगे, मिठाई बनेंगी, ठीक है? और इनके बुद्ध विहार पे एक बहुत सुंदर कार्यक्रम भी होगा, बहुत अच्छे गायक भी आएंगे उस दिन, पक्का? तो हम नारे लगाते हैं, मैं बोलूंगा गर्व से कहो, आप क्या कहेंगे? हम बौद्ध हैं। ये तो नारा आपको पहले से आता है ना, फिर मैं बोलूंगा दूसरा नारा, तीसरा, तो आप सबको उसी तरीके से बोलना है। गर्व से कहो, हम बौद्ध हैं, गर्व से कहो, हम बौद्ध हैं, गर्व से कहो, हम बौद्ध हैं, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव,
घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। 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 आप सबको 25 दिसंबर बौद्ध महोत्सव के पावन पर्व की एडवांस में बधाई, लख लख बधाई। ये पावन पर्व आप सबको मुबारक हो। आपको भी कर दो, मैं रेडी हो जाऊंगा। आज हम बुलंदशहर जिले के रोरा गांव में हैं। ये गांव अनूपशहर रोड पर पड़ता है और आज हम यहां पे आए हैं बौद्ध महोत्सव की तैयारियां जानने के लिए। बौद्ध महोत्सव का प्रचार प्रचार काफ़ी मजबूती से इस ज़िले में किया जा रहा है। एडवोकेट प्रदीप अशोक जी और श्रीपाल सागर जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ जानना चाहेंगे, तो हमारे साथ हैं प्रज्ञा गौतमी जो बौद्ध धर्म के इस कारवां को आगे बढ़ा रही हैं। मिशन में इनका बहुत अतुलनीय योगदान है और आप एक शिक्षित बेटी हैं, तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि बौद्ध महोत्सव के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके गांव में किस तरीके से इसको मनाया जाता है और क्या तैयारियां आपकी? हमारे गांव में अभी से तैयारी चल रही हैं और काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं, कम से कम पाँच छः दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे 20 तारीख से ही सफाई शुरू हो जाती है घरों में और सजावट शुरू कर देते हैं। और 24-25 को हमारे धूमधाम से खूब कार्यक्रम होते हैं, बुद्ध वंदना होती है और खूब सजावट होती है हमारे यहाँ पे, अच्छे से मनाते हैं। मतलब तो ये खुशी का मौका है, तो सब लोग इसमें शामिल होते हैं? हाँ जी सब शामिल शुरू से ही होते हैं, काफ़ी दिनों से ही होते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे सब जागरूक हैं और कार्यक्रमों में पहले से ही भाग लेते हैं, सर महिलाएं भी और पुरुष भी। तो ये आपका बहुत मतलब ये बड़ा उत्सव आप इसको मानते हो? हाँ जी हम तो शुरू से ही मनाते हैं, मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में और बौद्ध महोत्सव के रूप में भी शुरू से ही मनाते आ रहे हैं। चलिए, ये थी प्रज्ञा गौतमी जिन्होंने बताया कि इनका गांव बहुत जागरूक है और ये बौद्ध महोत्सव को, पारंपरिक बौद्ध महोत्सव को बहुत पहले से मनाती चली जा रही है। मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में इसको बहुत पहले से मना रहे हैं और बड़े दिन के रूप में भी इसको मनाते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व से कहो हमारा उत्सव बौद्ध महोत्सव। घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। 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 आप सबको 25 दिसंबर बौद्ध महोत्सव के पावन पर्व की एडवांस में बधाई, लख लख बधाई। ये पावन पर्व आप सबको मुबारक हो। गर्व से कहो हमारा उत्सव बौद्ध महोत्सव। घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। 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 आप सबको 25 दिसंबर बौद्ध महोत्सव के पावन पर्व की एडवांस में बधाई, लख लख बधाई। ये पावन पर्व आप सबको मुबारक हो। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।